नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड पोल्ट्री। तो दोस्तों, आज है हमारे चिक्स का डे 5, पांचवा दिन है आज। और पांचवे दिन में बात करें चिक्स की, तो अभी जो मोर्टैलिटी है, अभी तक का एक भी मोर्टैलिटी नहीं है पांचवे दिन तक का स्टिल, और ये बहुत अच्छी बात है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, पांचवे दिन की दवाई की बात करें तो आज कोई भी दवाई नहीं दी जाएगी, सादा पानी दिया जाएगा। सादा पानी देने का कारण क्या है पांचवी तारीख को, क्योंकि छठे दिन इनकी वैक्सीन होगी। और छठे दिन आपको जैसे सभी को पता होगा कि रानीखेत की वैक्सीन होती है, रानीखेत बीमारी के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। तो रानीखेत बहुत ही घातक बीमारी है, आपको भी इससे अवेयर रहना चाहिए रानीखेत बीमारी के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रानीखेत डिजीज़ के बारे में बताऊँगा कि ये कितनी हार्मफुल है। तो छठे दिन जो है हम इसका वैक्सीन करेंगे, टीकाकरण करेंगे, इसलिए हमने अभी सादा पानी पिला रहे हैं, क्योंकि सादा पानी दिया जाता है इन्हें वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के एक दिन बाद इन्हें सादा पानी दिया जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चिक्स हमारा जो है बहुत घना हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो पूरे पूरा घना हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसे हमने यहाँ पे तक का इसका स्पेस बढ़ाने के लिए हमने भूसी यहाँ पे डाल दी है। देखिए इसका इतना स्पेस जितना में अभी है, उससे थोड़ा सा यहाँ पे तक का इसे खोला जाएगा, आप देख सकते हैं। स्पेस बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, स्पेस बढ़ाना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे भूसी को, जो ये भूसी है ये पूरी गीली हो चुकी है बरसातों के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स रहते हैं, और एक उस कोने में ज़्यादा रहते हैं और लास्ट उस कॉर्नर पर रहते हैं। तो अभी इन्हें स्पेस नहीं मिला, भूसी हो गई है पूरी की पूरी गीली, और गीली भूसी में अगर चिक्स रहेगा तो इसका बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमें इसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे तक का इसका स्पेस खोलना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है स्पेस खोलना। और अभी गर्मी का टाइम है, मुर्गों को काफ़ी अच्छा स्पेस देना चाहिए। और पानी आज पता ही दिया है मैंने कि सिंपल देंगे, और स्पेस बढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि बाकी आगे क्या करना है आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमने जगह को बढ़ा दिया है। अगर आप देखेंगे काफ़ी जगह हो चुकी है अब चिक्स के लिए, और देखिए चिक्स बहुत दूर दूर बैठा है, जिससे कि इन्हें भी प्रॉपर एक बड़ा स्पेस मिलेगा और हवा भी सही मिलेगी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से चिक्स घना खुला खुला बैठा है, तो अभी इन्हें गर्मी भी कम लगेगी। और गर्मियों में इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्पेस मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ही आपका चिक्स बहुत ही अच्छे से पल पाएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोने में सब लगे पड़े हैं, तो और चारा भी बहुत अच्छे से खा रहे हैं हमारे चिक्स, देखिए। तो इसी तरीके से आपको भी ये करना है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, देखिए वहाँ पे लगे हैं हमारे बुखारी है, बुखारी का भी काम अब ख़त्म हो चुका है, तो हम इसे हटा लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा मैनेजमेंट में, इन दोनों को हटाना रहेगा, और उसके बाद हम कल के लिए वैक्सीन की तैयारी करेंगे। तो वीडियो को वैक्सीन की भी आप ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट वीडियो है। और बाकी इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और उसके अलावा भी पोल्ट्री से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।